कहते हैं, हम रोहतक से आए हुए हैं। ये मेरी माताजी हैं। इनको 6 महीने पहले हाथ में दिक्कत होने लग गई थी, जैसे हाफ बॉडी, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा था इस राइट साइड का। फिर हम और डॉक्टरों के पास जैसे रोहतक की इलाज करवाते रहे, उन्होंने हाथ का ही इलाज करते रहे और एक्चुअल में प्रॉब्लम थी गर्दन में, तो वहाँ पर कोई भी मतलब इलाज हो ही नहीं पा रहा था सक्सेसफुल, ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जा रही थी। कुछ 3-4 महीने बाद ये हाथ से प्रॉब्लम पैर में आ गई। उसके बाद एक उन्होंने रिकमेंड किया डॉक्टर पुनीत कांत अरोड़ा सर, क्योंकि एक बार उनसे चेक करवा लीजिए, तो हम उनके पास आए थे। तो उन्होंने सारा उनका चेकअप करके उन्होंने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया कि गर्दन में दिक्कत है, तो उसके बाद उन्होंने सर्जरी की रिकमेंड दिया कि सर्जरी करवा लीजिए इसकी। फिर उसके बाद हमने सर्जरी करवाई और आज 4था दिन है सर्जरी करवाने का, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ठीक हो चुकी है। डॉक्टर पुनीत कांत अरोड़ा सर मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वे मणिपाल हॉस्पिटल में की, लेकिन जब यहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी मतलब हम 4-5 दिन रहे, एडमिट रही है मेरी माताजी, तो काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का, मतलब सारी सुविधा थी हर एक चीज़ की। राजेश देवी पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो उनको कंप्लेंट था राइट अपर लिम्ब में पेन था 6 महीने से। वो काफ़ी इलाज ले रही थी, काफ़ी डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी। उन्होंने रिसेंटली जो MRI कराया था, जो MRI मेरे पास लेकर आई थी, तब उन्हें हमने उनको उनकी कंडीशन एक्सप्लेन करी। उनके C5 बोन जो थी वो उनकी नर्व्स को इम्पिंच कर रही थी, जिसकी वजह से उनको सीवियर पेन हो रहा था। तो सारा उनको मैंने डिजीज़ और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन करने के बाद हमने उनको सर्जरी के लिए लिया। C5 कॉर्पेक्टमी नाम की सर्जरी होती है, जिसमें हम आगे गले से वो हड्डी जो कि नर्व को दबा रही होती है उसको निकाल के उसकी जगह इम्प्लांट फिट कर देते हैं। तो बेसिकली ये भी एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, जिसमें छोटा सा कट आता है और पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। राजेश जी की भी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। सारा जो इम्प्लांट था हमने अच्छे से प्लेस कर दिया, जो नर्व्स पे कंप्रेशन था वी वर एबल टू डिकम्प्रेस दैट, नर्व्स को हमने फ्री किया और पोस्ट ऑप में भी उनका पेन काफ़ी जल्दी, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिलीफ हो गया था और विद टाइम उनकी रिकवरी चलती जा रही है एंड शी इज़ इन अ मच बेटर स्टेट देन शी वाज प्रायर टू सर्जरी। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी कुड हेल्प हर आउट इन हर कंडीशन एंड वी विश टू कंटिन्यू डूइंग गुड स्पाइन एंड ब्रेन सर्जरीज इन फ्यूचर ऑल्सो एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर।